ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਬੰਨੀ ਨੇ ਮਾਰੇ? ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਉਧਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਨਾ ਗਰਾ ਦਿੱਤਾ। Hello everyone and welcome back to another video. I hope you guys doing well. आज के इस गेम में हम उतरने वाले हैं पोचिंकी में। खैर पोचिंकी को तो साइड में रखो, इस गेम के साथ साथ हम एक कहानी की भी तह तक जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर एक छोटे से भाई ने एक छोटी सी बहन को एक चाटा मारा था, तो उस कहानी के तह तक भी हम जाने की कोशिश करेंगे। एनीवेज सबसे पहले तो हम उतरते हैं यहाँ पर पोचिंकी। पोचिंकी पर उतरते टाइम मेरे टीममेट्स मुझे बताते थे कि भाई एक स्क्वाड अपने साथ आ रही है, तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ उतरता हूँ वहीं पे एक स्क्वाड आ रही होती है, जहाँ मैं रियलाइज नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर मैं उतर जाता हूँ बेसिकली, तो सर बोलता है कि एक काम करता हूँ, गर्ड एक लूट लेता हूँ, उसके बाद में रोड के उस तरफ चले जाऊँगा। लाइन कितनी सारी अमाउंट दिखती है मुझे, तो मुझे लगता है UMP वगैरह होगी, बट कुछ होता नहीं है वहाँ पे। एनीवेज पिस्ता लेके मैं वहाँ ढूंढ रहा रहता हूँ एक आधे गन के लिए, पर मुझे मिलते हैं एस्ट्रल के हाथ में। एस्ट्रल के एक काफ़ी अच्छी गन है अगर आप जॉर्जिया पुल वगैरह में खेल रहे थे तो। एनीवेज कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भाई उस सिमरन के साथ आगे क्या होता है। की बनाती पिंडी बना दी वो ग्राहक का की कितना बेटा कहानी बहुत रोमांचिक स्थिति पे आ चुकी है। एनीवेज मुझे यहाँ पर इन लोग की बातों में मुझे एक AKM और एक M24 मिल जाती है, और अब पोचिंकी में हूँ तो भाई बड़ी खुजली होती रहती है पोचिंकी में, घर के ऊपर चढ़ने की बड़ी आदत रहती है, तो यहाँ पर भी मैं घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और इधर उधर देखने लगता हूँ। इतने मेरे को पार्किंग में एक बंदा भागते हुए नज़र आ जाता है, जो कि अभी आपको भी दिख रहा होगा, तो मैं ऑब्वियसली M24 निकाल लेता हूँ अपनी और वहाँ पर अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई मैंने वहाँ पर एक बंदा देखा हूँ। मैं डायरेक्ट कुछ नहीं करता क्योंकि मेरा एक बंदा ऑफलाइन था, सो मैंने सोचता कि थोड़ा वेट करता हूँ, ये गाड़ी में हेडशॉट दे देता हूँ मैं एक को और वहीं पे नॉक कर देता हूँ। अभी एक बंदा उनका नॉक हो गया था, तो मैं सोचता कि एक काम करते ही पुश कर लेते, वो थोड़ा रिवाइव विवाइव करने में बिजी रह गए, सो मैं अपने एक साथी को लेकर वहाँ पर रश मारने के लिए निकल जाता हूँ। थोड़ा लेफ्ट साइड से जाता हूँ गाइस, अब थोड़ा इंटेंस सिचुएशन है यहाँ पर। मैं यहाँ से निकलता रहता हूँ, वॉर जोन भी चालू रहता है। अनफॉर्चुनेटली गाइज अभी आपको मेरी स्क्वाड की किस्मत इस गेम में मालूम पड़ेगी, मतलब इतनी अच्छी किस्मत है ना कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं यहाँ पे अपने टीममेट के लिए वेट करता रहता हूँ, वो मेरे साथ अप्रोच कर रहा होता है, तो फिर जैसे ही मैं क्लोज आता है मैं आगे निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि एक सही टाइम होगा आगे रश मारने के लिए, उतने में ही मेरा टीममेट यहाँ पर अरे हो गया, ये देखिए ये यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है वॉर्ड जोन से। सो गाइस सबसे पहले तो मैं इसको रिवाइव देने का सोचता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहले रिवाइव देना ज़रूरी है बजाय के बंदे पर रश मारना, तो पहले तो मैं इसको रिवाइव देता हूँ यहाँ पर अंदर बैठ के। इसको रिवाइव देने के बाद हम निकलेंगे उन दोनों बंदों को मारने के लिए। अब मेरे हिसाब से अगर मैं उन बंदों को जगह होता तो मैं फटफट अपने बंदे को रिवाइव देके वहाँ से निकल गया होता, क्योंकि भाई मेरे पास पोजीशन नहीं थी, क्योंकि अभी देखो बंदे थे ही दो और सामने उनको पता नहीं था कि कितने बंदे, मैं अकेला हूँ या मेरे साथ मेरी पूरी स्क्वाड है, तो ऐसे में अगर मैं उनके जगह रहता तो मैं वहाँ से निकल गया होता। बट उन लोग निकलते नहीं है, उन लोग कुछ और करते हैं, उन लोग गाड़ी छोड़ के रोड क्रॉस कर लेते हैं, जो कि मेरे को उन लोग दिख जाते हैं, तो मैं अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर देता हूँ तू हिल विल कर ले, मेरे को बंदे दिख चुके हैं, वो सामने वाले घर में मेरे बैठे हुए हैं, तो हिल विल कर ले, मैं देखता हूँ कि क्या माजरा है। तो मैं अपने M24 निकालता, मुझे एक कार हल्का सा टकला दिखा रहा दे रहा होता है। अभी M24 में अगर मेरे को टकला देखेगा तो फिर मैं तो नॉक तो करेगा ना, हाँ कसम ये हेडशॉट मुझे बहुत पसंद आया था। एनीवेज इसको मारने के बाद मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ तो भाई एक नॉक है चल भाई रश कर देंगे, मैं सोचता कि यार हाँ चल रश कर देते, पहले सबसे पहले तो मैं एक नेट कर देता हूँ तू आगे जा, तो मैं आगे बंदे को अपने दोस्त को आगे भेज देता हूँ और निकल जाता हूँ रश करने के लिए। कि उतने में उसका दूसरा टीममेट ही खुद नीचे आ जाता है, बोला कि नहीं भाई तुम ना मत आओ मैं आ रहा हूँ ना मरने के लिए, ठीक है यार जैसा तू कहे। NDK कुल्हारी नाम बढ़िया अजीब अजीब रखते हैं इन लोग। एनीवेज इन बंदों को मारने के बाद थोड़ी वुड लूट वुड करते रहते हैं हम, मेरे को अच्छी खासी एमोस मिल जाती है 70, तो सब लोग मैं बाकी जो अनवांटेड सामान है वो सब गिरा देते हैं। तो गाइस गेम तो चलता रहेगा गाइस, कहानी में आगे बढ़ते हैं सिमरन की कहानी की तरफ, जो कि हो रही थी हमारी बातचीत स्टार्टिंग में, मेरे को बताया था, तो कहानी की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। सिमरन समझाया सी बनी ने, वो तो ठीक है पर बनी ने समझाया सी ना कि नहीं तोड़ना, है ना, फिर तुम समझे नहीं सी,
नहीं समझे थी, फिर थप्पड़ तो पहना ही सी ना बेटा, स्लो मारना सी का, तेज नहीं मारना सी, मैं स्लो में आ रहा है, स्लो मारे सी, कि मैं मारे सी दस्तों पर मार के देखो, ये तो स्लो ही है बेटा, ये तो बंदा पाँच चार था छोटा सा था, बोल रहा था कि भाई मैंने तो ऐसा हल्लू सा मारा था, पर बच्ची बोलते कि नहीं तूने मेरे को बहुत जोर से मारा था, वो बताती भी है। हालांकि वो बच्ची जब मारती है चमाट आए है, इतनी प्यारी सी बच्ची, यार क्यों मारते हो फूल सी बच्ची को, तुम्हारी प्यारी बहना है, कुछ कुछ को तो बहने भी नहीं होती जैसे कि मैं। एनीवेज तो गेम की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं हम। यहाँ पर मुझे एक गाड़ी नज़र आई थी मेरे को, यहाँ जो यहाँ पर आई थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बूस्टेड कर लेता हूँ अपने आप को कि भाई बंदे आएंगे तो मैं फुल तैयार रहता हूँ उनको रश करने के लिए, आप तैयार रहता हूँ मारने के लिए। मुझे फुटप्रिंट आ रहा रहता है यहाँ पर, देखिए गाड़ी आ चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको भी हेड वही अपने हेड शॉट दे देता हूँ, थपाक अभिषेक पा 45, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। मैं सोचता हूँ कि यार वो घर में ही वो शायद जा रहा होगा, तो मैं एक आधा नेटवर्क कर देता हूँ, मुझे किल वगैरह आ जाएगा, या एक हो सकता है वहाँ पे एक बंदा भी मौजूद हो। उतने में एक बंदा मुझको यहीं पे दिख जाता है, तो सुपर सोरे उसको मैं यहीं पे डैमेज देके यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। उतने में मेरा एक दूसरा टीममेट वहाँ पे नॉक हो जाता है, तो मैं उसको बचा तो नहीं पाता, बट जो उसको मारता है मैं उसको वापस नॉक कर देता हूँ। तो टोटल यहाँ पे तीन बंदे नॉक कर देता हूँ, हालांकि किल मेरे को एक का भी नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसको पूरा कमिट करने के बाद मैं निकलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैंने दो नॉक किए हुए थे, तो उस घर में चले जाता हूँ जहाँ पर मैंने दो नॉक किए हुए थे। अब यहाँ पर मेरे को बड़ी ताज्जुब की बात होती है, क्योंकि मैंने जो दो बंदों को नॉक किया था वो दोनों को रिवाइव देने के लिए इनका जो चौथा बंदा था वो आया ही नहीं, हालांकि मैंने तीन बंदों को खत्म कर दिए थे। अब यहाँ पर जो चौथा बंदे का था उसका काम था कि वो उसको यहाँ पर आके उन अपने वो टीम मेट्स को रिवाइव देना था, जो कि उसने दिया नहीं। एनीवेज यहाँ पे थोड़ी लूट वूट कर देता हूँ, लूट वूट चलते हैं कि तब तक कि खाने की तरफ थोड़ा रुक करते हैं और खाने में आगे बढ़ते हैं कि आखिर सिमरन के साथ होता क्या है, उसे किस तरीके से चाटा मारा गया है, तो खाने की तरफ रुक करते हैं। नहीं, तो बड़ा छोटा कह रहे हैं प्यार नाम कह रहे हो, तो अच्छा उठे जाओ दोनों उधर जाओ। तो आपकी क्या राय है, क्या सिमरन झूठ बोल रही है? अगर झूठ बोल रही है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन अगर सच बोल रही है तो भी कमेंट कीजिएगा भाई, अब मुझे थोड़ी पता होगा आपके मन में क्या चल रहा है। एनीवेज इनका एक चौथा बंदा जो था मेरे को इस घर में नज़र आ गया था, तो मैं थोड़ा घर की तरफ पीक पीक ले रहा था, सोचता हूँ क्या फिर से पूछ फूट कर लेते और देख लेते भाई बंदा क्या फिर से पिक कर रहा होता है। जैसे वो पिक करता है मैं अपनी गन निकालता हूँ, वापस अंदर चले जाता है, तो मैं सोचता यार ये खेल से मैं पक चुका हूँ यार, मैं काम करता हूँ थोड़ा आगे निकल जाता हूँ। इस मेरे को चर्च के पास से थोड़ी शॉट्स आने लगते हैं, तो मैं थोड़ा बौखला जाता हूँ यार, मैं सोचता हूँ ये सबसे लिए अपनी जगह चेंज कर लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ तो उस घर के थोड़ा आगे की तरफ, क्योंकि चौथे बंदे को तो मेरे को मारना ही था। तो मैं यहाँ पर इस घर में आ जाता हूँ और ऊपर चले जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं हील वगैरह कर लेता हूँ यहाँ पर आने के बाद। वो बंदा पता नहीं यहाँ से जा रहा क्यों नहीं होता है, वो तो वो भी सोच रहा था कि भाई नहीं सामने वाले बंदे को ख़त्म करके जाऊँगा, फिर मेरे टीम मेट्स को मारे तो भाई यार सलमान खान नहीं बनना होता ना यार, ये देखिए उसका टकला दिखा रहा होता है। तो मैं क्या करते हैं यार, एक काम करते हैं इसको M24 से नहीं, इसको भी अपन नेट से उड़ाएंगे। तो उसके घर में मैं ये बराबर अच्छे से कुक करके नेट कर देता हूँ। अब सामने वाला बंदा भी वही कर रहा होता जो मैं कर रहा होता हूँ, पर मेरा नेट परफेक्ट लगता है, उसका नेट एकदम बकवास रहता है। ये उसका नेट आया होगा अभी तक, आएगा नहीं आया। एनीवेज उसका नेट एकदम बकवास रहता है, मेरा नेट काफ़ी बराबर रहता है, एकदम प्रॉपर जाके इसको लगता है। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट किला है, क्योंकि आखिरी बंदा मौजूद, आखिरी बंदा था उनके टीम का। तो यहाँ पर भी थोड़ी लूट वूट कर देता हूँ, मेरे को एटेक्स चाहिए था तो एटेक्स मिल जाता, 6x फेंक देता है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर थोड़ी बोड़ी लूट करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और आता हूँ स्कूल के अपार्टमेंट्स में। स्कूल के अपार्टमेंट में जैसे ही आता हूँ, मैं गाड़ी से जैसे आता हूँ मेरे को मालूम पड़ता है एक बंदा यहाँ पे बाहर ही प्रोन हुआ है, सांप बन के लेटा हुआ है। तो मैं गाड़ी से आने के बाद मेरे टीममेट्स मेरे को बोलते हैं कि वो ट्रक के पीछे लेटा हुआ है। अब जैसे मुझे ये बात मालूम पड़ती है, तो मैं सोचता है कि M24 AKM छोड़ो इसको, मैं वापस नेट से उड़ाऊंगा। तो आखिरी बंदा इसको नेट से मारने की कोशिश करता हूँ, तो नेट करता हूँ बराबर प्रॉपर कुक करके, मैं उसको उड़ाने की ट्राई करता हूँ। काबूम गाइस, नेट एकदम ठिकाने पर भी गिरता है, और ये क्या नाम है इसका, C616 वैली, बहुत ही अतरंगी नाम था। एनीवेज जैसे भी था हमने उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया। इसको भी जाने के बाद थोड़ा मैं लूट वूट लेता हूँ, और हम लोग तो जोन में रहते बेसिकली, तो हम जोन का अप्रोच होने का थोड़ा वेट करते हैं।
अभी जन गाया आगे का वीडियो तो दिखाने का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आगे जाके मैं थोड़ा रश करता हूँ, वहाँ पे हम लोग की स्क्वाड मर जाती है। एक्चुअली मैं रश नहीं करता हूँ, मेरे पर रश हो जाता हूँ, मैं उसका हैंडल नहीं कर पाता हूँ, हम लोग दो ही बंदे रहते हैं। एनीवेज इस कहानी की तरफ रुक करते और इस वीडियो को खत्म करते गाइस, आई होप आज की वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया जाओ, दोनों उधर जाओ। पापा मैं तुम्हें कर दूँ सुन लो पोटेशियम सुनी सुन रहे हैं ना क्या कितनी बार पसंद हो मैं ओ पोटेशियम सुन रहे हैं गिर दिया और मैं बहुत बहुत टपके।